देखो एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। इस वक्त मेरे नाल अशोक तालवे जी ने, अशोक जी नाल गलबात करना। अशोक जी, दो तीन दिन हो चुके हैं कमेटी बने को, अभी तक सरकार का कोई मैसेज आया आपके पास? सरकार का कोई भी मैसेज अभी तक नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। बाकायदा जो मीटिंग होनी चाहिए सरकार के साथ, उसके बारे में कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसान पूरे देश के बहुत गुस्से में है इस बात के ऊपर, क्योंकि एसकेएम ने 5 मेंबरी कमेटी बनाई, छोटी कमेटी बनाई, लेकिन फिर भी सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये बात एकदम गलत है। और जो इश्यूज अभी बाकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज है, पूरे देश के किसानों के और जनता के इश्यू अभी तक निर्णय नहीं हुआ। 3 कृषि कायदे, ये जो कानून उन्होंने रद्द किए, वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत भारत के किसानों की जरूर हुई, लेकिन एमएसपी वाला मामला अभी भी निर्णय नहीं हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है पूरे देश के किसानों के लिए। बिजली बिल वापस लेने का बात पूरे देश के, सिर्फ किसानों के नहीं, पूरी जनता के लिए, क्योंकि अगर ये बिजली बिल पास हो गया तो मैं आपको बोलता हूँ करोड़ों लोगों के घर के बिजली के दर 7-8 गुना बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। तो ये किसान पूरे देश की जनता के लिए आंदोलन कर रहे, ये हमारी मांग है। और दो मांगे जो है कि आज हमारे हजारों किसान भाई और बहनों के ऊपर जो मुकदमे लगाए ये 1 साल के आंदोलन के दौरान, केंद्र सरकार ने लगाए, राज्य सरकारों ने लगाए, अधिकतर तो बीजेपी की सरकारें हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और मध्य प्रदेश, तो ये सब मुकदमे बिल्कुल वापस लेने चाहिए, रद्द कराने चाहिए। और हमारे 700 से ज्यादा शहीद जो हुए उनके परिवारों का पुनर्वास करना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो हमारी बहुत बुनियादी मांगे है, इसके ऊपर वार्ता होने के बिना आज किसान इसके ऊपर पीछे हटने वाले नहीं है। 2 दिन से आपके साथ सरकार ने कोई बात नहीं की, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती आपसे? अब सरकार का जो रवैया है, 1 साल तो बात भी नहीं की, 22 जनवरी को जो उन्होंने बात तोड़ दी उसके बाद में बिल्कुल बात नहीं की, तो ये उनका रवैया है, उनका एरोगेंस है ना। क्योंकि ये सरकार का जो जनवादी तरीका होना चाहिए, एक लोकतंत्र पर विश्वास होना चाहिए, वो बहुत कम है। ये बात बहुत क्लियरली इससे जाहिर होती है। लेकिन किसानों के अंदर भी बहुत ताकत है और किसान जानता है कि जो इस प्रकार से उसके साथ बर्ताव करेगा तो उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए और किस कई तरह से झुकाना चाहिए, ये किसान भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आज की मीटिंग की बात की जाए तो कोई बड़ा फैसला आज की मीटिंग में लिया जा सकता है? संसद मार्च का भी प्रोग्राम जो पहले आपने मुलतवी कर दिया था, उसके बाद अभी कोई फैसला हो सकता है? देखिए, जब सरकार ने ये 3 कृषि कानून रद्द किए और कुछ हद तक समझदारी दिखाई, 1 साल लेट क्यों ना हो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। हमने तुरंत बोला कि भाई ठीक है, 29 तारीख का हमारा पार्लियामेंट का मार्च हम स्थगित करते हैं, ये हमने उस वक्त किया था। तो हम भी 4 कदम हम आगे गए, लेकिन अभी अगर सरकार ये बाकी सवालों के ऊपर बातचीत करने को तैयार नहीं है तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कुछ निर्णय लेगा इस आंदोलन को तेज करने के लिए, व्यापक करने के लिए, वो बिल्कुल आज एसकेएम की मीटिंग निर्णय लेगी। आज आंदोलन की समाप्ति का तो ऐलान इससे नहीं होगा, क्योंकि बात ही सरकार से कोई नहीं हो रही आपकी? नहीं नहीं, समाप्ति का तो सवाल ही नहीं आता है, आंदोलन की समाप्ति का सवाल ही नहीं आता है। आंदोलन तेज और व्यापक कैसा किया जाए, ये है आज के मीटिंग के सामने का एजेंडा। एक आज बात और की जा रही थी कि जो 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वो कोई फैसला ले सके, केवल एक मैसेंजर के काम के लिए वो कमेटी बनाई गई है कि सरकार को आप मैसेज दोगे और सरकार का मैसेज हमारे तक लेकर आओगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा ने सर्वसम्मति से तय की सरकार के साथ पूरी बातचीत करने की, उसको अथॉरिटी दी गई है। ऐसी बात नहीं है कि उनको अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल अथॉरिटी है। इतना ही बात है कि समझो अभी बाकी, समझो 10 सवाल है, 10 में से समझो 6 छूटे, 4 रह गए, तो ये तो हमारी भी फर्ज होगी ना कि संयुक्त किसान मोर्चा के सामने लाना कि भाई इतना बात हुआ, इतना बात नहीं हुआ, उसके बारे में। ये बड़ा आंदोलन है, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है, 500 किसान संगठन इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ हम जाएंगे, बोलेंगे और फिर वो ठहराएंगे। क्या कुछ लीडर ये भी कह रहे थे कि 5 मेंबरी कमेटी का काम केवल मैसेंजर का काम करना है, डिसीजन मेकिंग का काम उनका नहीं है? नहीं नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवम्बर को
ये कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री जी को पूरा एक खत लिखा था, ओपन खत था, मीडिया के साथ भी हमने शेयर किया। उसके अंदर जो 6 मुद्दे हमने रखे थे वो है ये 5 मेंबर कमेटी का मैंडेट। 5 मेंबर कमेटी क्या करेगी? संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो सवाल तय किए हैं आज ही नहीं, एक साल पहले कुछ जो पॉलिसी इश्यूज है और इस आंदोलन से जुड़े हुए जो है वो 3 इश्यू इसके बाद में आए, उनके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को इसके हमने खत लिखा, इस मीटिंग में वो तय हुआ। तो इन मामलों का पूरा अधिकार चर्चा करने का ये 5 मेंबर कमेटी को है। सो आज आंदोलन को थोड़ा और तेज करने के लिए मीटिंग होगी? बिल्कुल, आज तय करेंगे एसकेएम किस प्रकार से इसको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सो अशोक जी नाल गल कर रहे सी जिहड़े 5 मेंबरी कमेटी दे मेंबर आ, और साफ तौर ते उन्होंने कहा कि अज अंदोलन नूं किस तरह अगे लैके जाना और अंदोलन नूं होर किस तरह तेज करना हैगा, उस चीज दे लई लैके गलबात की जाएगी। कैमरामैन संदीप दे नाल रोहित पक्का, एबीपी सांझा, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।